नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। दोस्तों, ये सोनी कंपनी का होम थिएटर है। तो दोस्तों, इसके वायर चूहे ने काट दिए थे, तो दोस्तों आज इसी की वायरिंग करने वाले हैं। ये दोस्तों इसकी प्लेट है, जो कि दोस्तों इसमें 20-30 IC लगी हुई है। इसमें दोस्तों 3 IC लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मेन ट्रांसफार्मर है, इसकी सेकेंडरी में दोस्तों 3 वायर लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं वायर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों वायर जो हमारे डायोड लगे हुए हैं, इन्हीं में लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, डायोड लगे हुए हैं, इन्हीं में लगेंगे। दोस्तों एक हमारा ग्राउंड होगा और दो हमारे डायोड में लगेंगे। दोस्तों ये वायर ग्राउंड है, जो कि दोस्तों इसको भी चूहे खा गए थे। तो इसमें से बीच वाला वायर है जो ग्राउंड है। तो दोस्तों ग्राउंड ये देखिए दोस्तों, ये पिन है, ये हमारी ग्राउंड है। दोस्तों इसमें प्लस कंडीशनर का एक प्लस का सिरा और एक माइनस का सिरा। ये देखिए दोस्तों, पट्टी बनी हुई हुई होती है वो हमारा माइनस का सिरा होता है। जिस तरफ पट्टी नहीं होती है वो हमारा प्लस का सिरा होता है। देखिए इसमें इस तरफ माइनस है, इसमें इस तरफ प्लस है, इसमें इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है। तो दोस्तों प्लस और माइनस दोनों पिन जुड़ी हुई हैं, दोनों दोस्तों ट्रैक जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो दोस्तों ग्राउंड में ग्राउंड की वायर लगा देते हैं। अब दोस्तों दो वायर लगे हुए हैं, दो वायर दोस्तों, एक इस तरफ और एक बीच में। वायर दोस्तों आपस में टच नहीं होना चाहिए। एक बीच में लगा दिया, एक अब दोस्तों इसमें स्पीकर की वायर लगा लेते हैं, जो कि हमारा ये 6 पिन सॉकेट लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आउटपुट सेक्शन है, ये दोस्तों हमारे स्पीकर के वायर हैं, ये दोस्तों इनपुट सेक्शन है। तो ये दोस्तों लीड में लगाकर मोबाइल से बजाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्पीकर के हैं, तो इन्हीं के कनेक्शन करेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, लास्ट में दो वायर जुड़े हुए हैं दोस्तों, दो पिन और दो पिन, दो दो पिन जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों ये स्पीकर के हैं। दोस्तों सबसे पीछे वाला जो ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड वाला हरा वायर लगा हुआ है। दोस्तों ग्राउंड का वायर ग्राउंड में लगाएंगे, जहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर का की बीच का बीच की पिन का तार लगा हुआ था, उसी में लगाएंगे। और दोस्तों जो हमारी IC है, उसकी दोस्तों ये पहली पिन है, ये दोस्तों हमारी स्पीकर की पिन होती है। इसकी 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 ये दोनों तीनों दोस्तों IC की पहली पहली पिन है, वो हमारी स्पीकर की है। तो दोस्तों इसकी स्पीकर की पिन देखिए, इधर से ट्रैक आ करके और एक रेजिस्टेंस लगा कर यहाँ पर आ गई है, थोड़ा करंट कम करने के लिए, जो हमारा स्पीकर ख़राब ना हो। इसी प्रकार दोस्तों इस IC का स्पीकर का वायर देखिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा कर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीकर के वायर लगा देते हैं।
देखिए दोस्तों, अब दोस्तों दो वायर स्पीकर के हमारे सबवूफर जो कि साउंड होता है, तो दोस्तों इसमें जो सबवूफर स्पीकर लगा हुआ है साउंड में, दो वायर दोस्तों लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस स्पीकर के दोस्तों एक वायर हमारा जो ग्राउंड में, जो हमारा ग्राउंड था ग्राउंड में लगाएंगे, और एक वायर दोस्तों आईसी के पहली पिन में। इतने दोस्तों वायर लग गए हैं। अब दोस्तों जो हमारा कार्ड लगा हुआ है, तो दोस्तों इसमें देखिए ये पिन जो लाल वायर लगा हुआ है, ये हमारा 5 वोल्टेज है, और काला वाला वायर हमारा माइनस का। तो दोस्तों माइनस और प्लस 5 वोल्ट, तो दोस्तों 5 वोल्टेज का जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805, तो दोस्तों इसकी ये पिन 12 वोल्टेज की है, ये दोस्तों बीच वाली ग्राउंड की और साइड वाली हमारी 5 वोल्टेज की। तो दोस्तों बीच वाली पिन ग्राउंड की है, तो ग्राउंड वाली बीच में पिन में लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वायर हो गए हैं तो इसकी दोस्तों ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन में ही लगा देते हैं। और दोस्तों इस साइड वाली प्लस 5 वोल्टेज की है, तो दोस्तों इसके भी वायर जुड़ गए हैं। अब दोस्तों हमारे वॉल्यूम के वायर बचे हुए हैं, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। दोस्तों आईसी की सबसे आखिरी पिन है ऑडियो की है, ये पिन दोस्तों ऑडियो, ये ऑडियो और ये तीसरी आईसी की ऑडियो। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ से यहाँ निकल कर दोस्तों ये आई है दोस्तों, एक आईसी की, ये दोस्तों दूसरी आईसी की, और दोस्तों एक हमारी जो सबवूफर की है वो दोस्तों इस पिन पर आई है। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ होती हुई यहाँ पर आ गई है। तो चलिए दोस्तों इसके भी वायर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे जो कार्ड है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ब्लूटूथ के कार्ड की जो ऑडियो निकल कर आई है आउटपुट, तो दोस्तों ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी कार्ड की ऑडियो है, और इसकी दोस्तों बीच वाली जो पिन होती है, ये दोस्तों आईसी की ऑडियो इसमें लगेगी। तो दोस्तों ये सिंगल पिन का इसमें वॉल्यूम लगा हुआ है, वैसे दोस्तों डबल पिन का होता है किसी किसी में। ये दोस्तों वॉल्यूम ऊपर, और दोस्तों ने सबसे नीचे बेस। दोस्तों इसके ये दोनों पिने बेस हैं दोस्तों, एक आईसी की एक इस आईसी की, दोस्तों दोनों पिने हैं जो बेस हैं। तो चाहें तो यहाँ से दोनों डायरेक्ट करके भी लगा सकते हैं, चाहें अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिंगल पिन का वॉल्यूम लगा हुआ है। तो दोस्तों दोनों को अलग अलग करके ही लगाते हैं। देखिए दोस्तों दोनों वायर लग गए हैं, ये दोनों ऑडियो के हैं। ये दोनों वायर दोस्तों अगर डबल पिन का होगा तो बीच वाली पिन में दोनों वायर लगेंगे ऊपर नीचे, और दोस्तों ये सिंगल पिन का है तो दोस्तों दोनों एक ही पिन में लगेंगे। एक पिन दोस्तों ये हमारी ग्राउंड है, देखिए दोस्तों ये यहाँ से ग्राउंड होती हुई दोस्तों ये आई है, ये हमारी ग्राउंड यहाँ पर आ गई है।
देखिए दोस्तों, ये किसकी है, ग्राउंड है। तो दोस्तों ग्राउंड वाली ग्राउंड में लगा देते हैं, सबसे किनारे वाली में, जो कि कार्ड की जो बीच वाली पिन होती है, ये दोस्तों ग्राउंड है। अब दोस्तों केवल हमारी बेस की पिन बची हुई है। तो दोस्तों ये हमारी ग्राउंड की पिन में एक वायर लगा कर दोस्तों ये हमारी जो बेस की है इसके ग्राउंड में ज्वाइंट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों ग्राउंड की पिन दोनों में लग गई है दोस्तों वायर। अब हमारी एक ऑडियो की बची है, ये दोस्तों सेकंड ऑडियो की। तो दोस्तों एक इसका ऑडियो जो कि हमारी एक पिन है, तो दोस्तों इसमें कुछ रेजिस्टेंस और पेपर लगाकर इसको शुद्ध किया जाता है, इसलिए ये हमारी यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों एक हमारी ऑडियो जो कि सब ऊपर के लिए है, बेस के लिए, लगा करके दोस्तों बेस की पिन में एक पिन दोस्तों और बच गई है। तो उसकी दोस्तों जो हमारी आईसी लगी हुई है बेस के लिए, उससे निकलकर ये पिन आई है। देखिए दोस्तों सबसे आखिरी पिन में तो दोस्तों इसके सारे कनेक्शन हो गए हैं। इसके दोस्तों लीड वाले वायर बचे हुए हैं, ये अगर चाहें तो इसके कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कार्ड में सबसे साइड वाली पिन दोस्तों, ये देखिए तीन वायर इसमें इनमें लगेंगे इसके, लेकिन हम इसके कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें लाइट आ गई है। इसमें देखिए दोस्तों आवाज आने लगी है बेस की। एक दोस्तों इसमें अलग से स्पीकर लगाते हैं। दोस्तों इसमें पिन नहीं लगी हुई है। देखिए दोस्तों काम कर रही है। तो इसके दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट हो गए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।